हे एवरीबॉडी, यू आर वाचिंग कैटेक ऑन एजुकेशन चैनल। एजिरा वीडियो रे में कथा हबा ओडिसा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन रो काउंसलिंग प्रोसेस रो स्टेप बाय स्टेप जोटा रहिछि सेटा में डिटेल्स रो कथा हबा। बाकी जोटा रहिछि चॉइस फिलिंग पई रजिस्ट्रेशन पई जोटा रहिछि समस्तकर पोस्ट ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा कैंडिडेट मन करो एंड इंटीग्रेटेड जो मन एमबीए इंटीग्रेटेड एमबीए पे अप्लाई करथिले समानकर एठी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हे गलानी रजिस्ट्रेशन करिया पई लिंक आसी जाइछि एठी क्लिक करिवे। क्लिक करला पोर जहाँ भी रही स्टेप्स मुझे अलरेडी गोटे वीडियो टेलीग्राम रे पोस्ट कर देती से नहीं कि टेलीग्राम चैनल जो मैंने जॉइन करना है जॉइन करेंगे कैटेक एंड एजुकेशन टेलीग्राम रे सर्च करेंगे कि डिस्क्रिप्शन रे लिंक देदेवि एंड कमेंट बक्स लिंक देदेवि जाकि जॉइन करेंगे टेलीग्राम को सेथेरे मुझे अलरेडी गोटे वीडियो पोस्ट कर देती केमी रजिस्ट्रेशन करार अच्छी केमी चॉइस फिलिंग करेंगे कौन करार अच्छी सब कुछ डिटेल्स से वीडियो में कहीदी तो जाकि से वीडियोटा को देखिपारे। बर्तमान आम कथा जहाँ भी रही स्टेप बाय स्टेप जहाँ भी प्रोसेस रही प्रोसीजर फॉर वेब काउंसलिंग फॉर ऑल कोर्सेस जेम एंड रैंक होल्डर्स जो मैंने अच्छा बीटेक बीआरक बीकैट एमएससी एंड बीटेक बी प्लान एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कैंडिडेट एंड जो मैं इंटीग्रेटेड कैंडिडेट अच्छा इंटीग्रेटेड एमसीए इंटीग्रेटेड एमबीए इंटीग्रेटेड एमएससी समस्त रो नि भाव में यहाँ को फॉलो करिए भलसे। तो जो रही इंपोर्टेंट स्टेप्स टू फॉलो इन वेब काउंसलिंग जो रोज फर्स्ट कौन करेंगे रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मुझे कही दीजिए वीडियो रे रजिस्ट्रेशन करिया बहुत ही सिंपल अच्छी। तो रजिस्ट्रेशन कर सारापर काउंसलिंग फी जो रोच 450 रुपीज डिपोजिट करने पड़ो ऑनलाइन थ्रो रही जो रोज डेबिट कार्ड कि क्रेडिट कार्ड रूटा करें अदरवैज यूपीआई रे करें यूपीआई रे सुविधा हम तो यूपीआई करें। बर्तमान कथा होची थर्ड नंबर पॉइंट होची जोटा चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग रे जोटा होची सब मेन जिनस होची चॉइस फिलिंग जमी करेंगे जो मानकर भल रैंक अच्छे तो फास्ट एक नंबर जोटा रोच कॉलेज लिस्ट आसो फिल्टर करदे गवर्नमेंट आ गए प्राइवेट कॉलेज लिस्ट आसपार अदरवैज सब तक मिक्स हो फिल्टर को जाकि गवर्नमेंट कि प्राइवेट चूज करापर केवल गवर्नमेंट कॉलेज किवल प्राइवेट कॉलेज शो कर जो मानक भल रैंक अच्छे तो से गवर्नमेंट रे फिल्टर करदे फिल्टर कर सारापर एक नंबर फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग कहीदी जो मैंने बीटेक बीआर पर चूज कर फॉर एग्जांपल एक नंबर रे जोटा रोच इंजीनियरिंग सीईटी रोच दुईरे आसएसयूटी तीन आसा रोच मुझे नहीं जीईसी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कलाहांडी एंड चार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज केउंझर पांच रे सोन जहाँ भी रही जाऊँगी पीएमसी नहीं जाऊँगी पीएमसी तीन रे छाई एनआईएसटी जोटा कि रोचे ब्रह्मपुर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज। तो ये जहाँ भी लिस्ट रही लिस्ट जदि जानी ना लिस्ट में आउ गए वीडियो करदेव सेपरेट। तो फॉर एग्जांपल मुझे इंजीनियरिंग से भाई सेम रे ही बी फार्म एंड अदर्स जो मान रही पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेस एमबीए एमसीए सेम रिलेटेड ही रही है ठीक अच्छे। फास्ट जो मानक भल रैंक अच्छे से एक नंबर से भल कलेजा को चूज करेंगे फर एक्जामपल सीईटी चूज करेंगे दुईरे रोचे भिएसएसयूटी चूज करेंगे तीन रे जोटा रोच जीसी और पीएमसी जहाँ भी चूज करेंगे से चार से भाई चूज करेंगे। तो बर्तमान कथा जो मानकर भल रैंक ना भावुंत कि सीईटी आसवनी फर एक्जामपल इंजीनियरिंग कथा मुझे तो से मिडिल रो जो रही तीन रु चार जो रही जीईसी केन्दुझर जीईसी कलाहां चूज करेंगे कि पीएमसी एनआईएसटी वगैरह चूज करेंगे एक नंबर रे। जो मानक बहुत ही खराब अच्छी भावुं गवर्नमेंट कॉलेज आसवनी तो डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेज भी चूज करेंगे। तो मोर रिकमेंड रही समस्ते फास्ट मॉक फास्ट जहाँ भी चॉइस फिलिंग मॉक अलॉटमेंट आसो तो फास्ट समस्ते गवर्नमेंट कॉलेज पे ट्राए करेंगे जदि आसुनी देन जहाँ भी रोचे चेंज करेंगे। तो यह चॉइस फिलिंग कर सारापर देन मॉक अलॉटमेंट जो रही डेट अनुसार मॉक अलॉटमेंट आसि जो मान भल रैंक अच्छे जो अनुसार चॉइस फिलिंग करते से अनुसार जब मॉक अलॉटमेंट आसी जाऊँच जो मान मन कर फास्ट जो मान भल रैंक थी से सीईटी देते एंड सीईटी आसी जाऊँगी तो से आज सेम जमती रखी थे अरेंजमेंट जमी भी करते सेम अरेंजमेंट करी रखीदेवे चॉइस लॉक करदे चॉइस को लॉक करियार अच्छे नेक्स्ट स्टेप रे। तो चॉइस लॉक सेमती ही रखीदेवे जो मानकर किसी भी मॉक अलॉटमेंट किसी भी आसलानी किसी भी कॉलेज आसुनी तो से जो अरेंजमेंट करेंजमेंट को चेंज करेंगे अगेन ठीक अच्छे।
तो अरेंजमेंट को चेंज करिला पारे चॉइस को लॉक करिवे बहुत भाभी चिंतीटा करिया दरकार। तो चॉइस लॉक कर सला पारे एठी केयर रे लिखा छि केयर शुड बी टेकन बिफोर लॉकिंग द चॉइस वंस लॉक्ड नो अल्टरनेशन इन चॉइस इज पॉसिबल अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। गोटे थर लॉक कर सला पारे ताको चेंज करा जाय परिबो नै ठीक है जी। टेम्पररी अलर्टमेंट वन तापर आसी जीवो टेम्पररी अलर्टमेंट वन रे जो मानकर अलर्टमेंट हे जोची से माने सेठी जदी जो भी कॉलेज चूज करूथिले जो भी कॉलेज से मानकर पढिवार इच्छा दिला चूज करथिले जदी से कॉलेज पळे आसी ताले फ्रीज करबे फ्रीज मींस सेठरे लॉक कर देबे ठीक है। जो मानकर भाबुचंती की भलो कॉलेज आसी पारि थांता जेति के रैंक अछि तो से माने कोन करिवे फ्लोट करिवे ठीक है जी। फ्लोट करके वेट करेंगे फॉर नेक्स्ट अलर्टमेंट अलर्टमेंट टू जाए वेट करेंगे। जो मैंने फ्रीज कर दूसरी तो से कौन करा पड़ो फॉर बोथ जो मान अलर्टमेंट वन आसी जाकर समस्त को फ्रीज करूँ फ्लोट करूँ समस्त को कौन करा पड़ो निजर डॉक्यूमेंट को अपलोड करा पड़ो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड डिपेंड ऑन द कैंडिडेट प्रोफाइल कैंडिडेट प्रोफाइल अनुसार जो पोस्ट ग्रेजुएशन करते डिग्री जो अप टू डिग्री जाए जहाँ भी सर्टिफिकेट्स रही से सब सर्टिफिकेट सहित देवे सर्टिफिकेट कौन का दरकार डॉक्यूमेंट कौन का दरकार अच्छे मुझे नेक्स्ट कहीदेवी कौन का दरकार अच्छे। तो ये कहीदे डॉक्यूमेंट्स जो रखुच्छी जो मैंने यूजी कोर्सेस कर इंटीग्रेटेड कोर्सेस कर तो से डॉक्यूमेंट लिस्ट हूँ 10th 12th और डिप्लोमा तापर रोचे जोटा डिग्री जो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स पीजी कर डिग्री रही डिग्री लिखी दे जो मैंने डिग्री एलिजिबल अच्छा डिग्री एंड जो मान कास्ट सर्टिफिकेट एलिजिबल अच्छा कास्ट सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और टीएफडब्ल्यू पे इनकम सर्टिफिकेट तापर जोटा रोचे मेन जो रेसीडेंट सर्टिफिकेट जो दरकार होती रेसीडेंट सर्टिफिकेट गोटे दरकार अच्छी तहत फोटोग्राफ मे भी दरकार हो पाए फर्दर आगे कोई दरकार अच्छे फोटोग्राफ जो ह्वैट रैकग्राउंड एवं दरकार नहीं तो रेडी कर रखिले बेटर हम तो ये सब दरकार अच्छे डॉक्यूमेंट्स ये डॉक्यूमेंट लिस्ट दरकार अच्छे तो होप ये सब डॉक्यूमेंट ऑलरेडी रेडी करके रखिंट जब रेडी करके रखिंट तो ये करेंगे तो जोटा रोचे जो मानकरी डॉक्यूमेंट रेडी कर सर जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर सारापर फी पेमेंट आसव फी पेमेंट से पड़ो पार्ट एडमिशन फी जो फी पेमेंटा करेंगे कॉलेज फीस रु से जो रोचे गोटे पार्ट ही रोज कॉलेज फीस रही अमाउंट रही 50,000 पर ईयर तो सी 10,000 5,000 जब देदे से डिडक्ट हो मैं मीनस 50,000 पर ईयर दे था तो 40,000 पर ईयर नेक्स्ट रेस्ट जो अमाउंट देवाक पड़ो 10,000 रोचे जोटा फर 10,000 अमाउंटा जो रही फर जेनेल आंड ओबीसी एस सी कैंडिडेट्स रही 10,000 जोटा 5,000 अमाउंट रही एससी एसटी और जो मैंने अच्छा फिजिकाली चैलेंज अच्छा पीसी मीन फिजिकाली चैलेंज जो मैंने रही 5,000 रही बाकी समस्त 10,000 रही। तो नेक्स्ट आम कथा जो मान फर्दर वेट करते वेरिफिकेशन पर जो रही रिजल्ट जदि किसी क्वेरीज रही जाए क्वेरीज में अटेंड क्वेरी रेज डॉक्यूमेंट रेज करेंगे ठीक है जी वोटर सहित से तुमको जहाँ भी प्रॉब्लम थी से सॉल्व करेंगे। तापर जो मानकर फास्ट अलर्टमेंट हो भावुंत कि नेक्स्ट अलर्टमेंट भी हम ना ठीक अच्छे से कौन करेंगे जहाँ भी अमाउंट देखिए रजिस्ट्रेशन कर 10,000 बा 5,000 से अमाउंट को ये से विड्रॉल करेंगे भावुंत कि किसी कॉलेज आसवनी गवर्नमेंट कॉलेजेस डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेजेस एडमिशन करेंगे नेक्स्ट ईयर पर वेट करेंगे तो से विड्रॉल करेंगे विड्रॉल कर सारापर जो मानकर विड्रॉल न करके वेट करूँ सेकेंड टेम्पररी अलॉटमेंट सेकेंड जो मैंने वेट करूँ भावुंत कि सेकेंड अलॉटमेंट जो मैंने फास्ट अलॉटमेंट फ्लोट करते निजर कॉलेजेस को तो सेकेंड अलॉटमेंट निजर कॉलेज लिस्ट देखिपारे एगेन जदि जो मानकर सेकेंड अलॉटमेंट कॉलेज किसी आसुनी से मैंने एगेन द्वारा जो अरेंजमेंट करते से कॉलेज अरेंजमेंट को चेंज करेंगे चेंज कर सारापर एगेन वेट करेंगे जो मानकर आसी जाऊँगी कॉलेज से मैंने एगेन लॉक करेंगे न्यूली अलर्टेड स्टूडेंट हाव टू फॉलो द स्टेप 7 एगेन जो कहली स्टेप 7 फॉलो करेंगे 7 to 10 जो मानी से मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे एंड जो रोचे क्वेरीज जब थी क्वेरीज सॉल्व करेंगे
एंड जोटा रोज फीस 10,000 और 5,000 से पे करा पड़ो। तापर जो मैं अगेन हो नहीं से अगेन विड्रॉल करेंगे। विड्रॉल बाय कैंडिडेट्स नॉट विलिंग टू कंटिन्यू इन द काउंसलिंग प्रोसेस, जो मैंने काउंसलिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करा चाहती से विड्रॉल करेंगे। तो विड्रॉल रहा हूँ लास्ट ऑप्शन रहा विड्रॉल कर लास्ट जोटा रोज ऑप्शन जो मैंने पूरा काउंसलिंग प्रोसेस रो आउट होगा चाहूँ जो मैं हूँ नहीं गवर्नमेंट रे प्राइवेट रे से वेट करने चाहूँ नेक्स्ट इयर पर कि डायरेक्ट प्राइवेट रे एडमिशन करने चाहूँ से विड्रॉल करेंगे। तापर वन्स विड्रॉल कर मीन्स काउंसलिंग प्रोसेस रु आउट होक्स्ट से अदर जहाँ भी रही प्राइवेट रे डायरेक्ट एडमिशन करेंगे कि नेक्स्ट इयर पर वेट करेंगे। तापर जो मैं फाइनाल अलॉटमेंट आसी जाऊँ फ्लोट करते जो मैंने कि जो मैं सेकेंड अलॉटमेंट आसु ना फाइनाल अलॉटमेंट वेट करते तो से आसीगला अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करेंगे। स्टूडेंट टू डाउनलोड फाइनाल अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करेंगे एंड रिपोर्ट टू द अलॉटमेंट इंस्टीट्यूट और कॉलेज, जो भी कॉलेज किंवा इंस्टीट्यूट करते अलॉटमेंट हो कॉलेज को जाकि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट नहीं जी डॉक्यूमेंट नहीं कि जहाँ भी डॉक्यूमेंट नबार अच्छे से सब फर्दर आम डिस्कस करवा डिस्कस डॉक्यूमेंट को नहीं कि फॉलो द नोटिस अलॉटेड इंस्टीट्यूट टू रिपोर्ट देयर फॉर फाइनल एडमिशन जहाँ भी रही। तो ये अपडेट काउंसलिंग की नहीं कि जहाँ भी स्टेप्स थिला बहुत जन डाउट थिला कि बुझीपार ना कमी सब प्रोसेस रही कौन कौन कर नेक्स्ट जो डाउट रोचे तो पचारिपे जहाँ भी क्वेश्चन रोचे समस्त को रेकमेंड करी कि जहाँ भी रही ब्रोचर एंड स्टेप बाय स्टेप ऑफिशियल वेबसाइट oj.nic.in पब्लीश कर नोटिस को डाउनलोड करके समस्त वन्स देखने पूरा नोटा को रिजर्वेशन सिस्टम कौन कौन रही से सब को लेकिन भलसे पढ़ला ही काउनसलींग प्रोसेस करेंगे। तो ये थोड़ा अपडेट हम अपडेट भल लगी जब भल लगी निहतर लाइक करेंगे किसी क्वेरीज थे कमेंट पचारि पारे जो मैंने चैनल में नुआ अच्छा फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। जय जगन्नाथ।